हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ये HP ब्लैक 803 इंक कार्ट्रिज को रिफ़िल करके बताऊंगा। ये जो कार्ट्रिज है, इसमें जो ब्लैक इंक होता है वो पिगमेंटेड इंक होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो इंक रिफ़िल है वो है टर्बो रिफ़िल किट। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे या शॉपक्लूज़ पे, पेटीएम पे, कहीं भी ये मिल जाएगा आपको। इसके अंदर दो बॉटल रहेंगे 30 30 ml के ब्लैक इंक के, और एक सीरिंज और एक नीडल दिया रहेगा। सबसे पहले रिफिलिंग करने में जो बात को ध्यान देना है वो ये कि जो इंक का नोज़ल होता है कार्ट्रिज का, इसको ना छुएं, ठीक है? मैं ये छू रहा हूँ क्योंकि ये कार्ट्रिज अभी मेरा आउट ऑफ ये हो गया है, प्रिंटर ने इसे इजेक्ट कर दिया है, तो ये अभी प्रिंटर के यूज़ में नहीं आएगा। और यहाँ पे आपका ये होता है कॉपर का कनेक्शन होता है, जो कि प्रिंटर में जुड़ करके और कार्ट्रिज को कमांड्स देता है। तो ये दोनों चीज़ को कभी मत छूइएगा। कार्ट्रिज को साइड से पकड़े, सबसे पहले कार्ट्रिज को इस दो साइड से ऐसे पकड़े, उसके बाद सिरिंज लें, इंक खोलें, उसके बाद बॉटल में सीरेंस को डालें, अच्छे से सहूलियत से डालें, इसे इससे इंक निकालें, अज्यूम कीजिए कि मैंने इंक ले लिया है, क्योंकि वैसे ये कार्ट्रिज वेस्ट है तो इंक भरने से कोई फ़ायदा नहीं। इसे बंद, हमेशा इसे एयर टाइट बंद करें, क्योंकि अगर ये जम गया तो फिर आपका इंक वेस्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कार्ट्रिज में आपको 5 छेद दिखेंगे, 1 2 3 4 5। ध्यान रखिए, जो बीच वाला छेद होता है वो जस्ट स्पॉन्ज के ऊपर रहता है। एक कार्ट्रिज में होता क्या है ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, अंदर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर होता है ये स्पंज। इसे मैं इसके सहायता से निकालता हूँ। ये देखिए, इस स्पॉन्ज में ही इंक स्टोर्ड रहता है, और इसके अंदर जो होता है नोज़ल होता है। ये नोज़ल इंक इसी को देता है, जो प्रिंटर होता है कमांड देता है और फिर इससे इंक लेता है। तो हमेशा ये जो बीच वाला रहता है छेद, इसके अंदर सिरिंज डालें, ज़्यादा अंदर ना डालें, ज़्यादा अंदर ना डालें, ऐसा डालें कि ये हल्का सा बस स्पंज को छू जाए। धीरे धीरे, कम से कम 4 या 5 ml से ज़्यादा इंक ना डालें, और धीरे धीरे करके इसमें डाल दें। फिर इसको कनेक्शन को टच किए बिना, अगर ज़्यादा इंक आपने डाल दिया है गलती से, अगर ज़्यादा इंक डाल दिया है आपने गलती से, तो और अगर यहाँ से लीक कर रहा है, तो इसको एक टिश्यू पेपर पे रख दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा इंक सूख जाएगा। उसके बाद इसको प्रिंटर में जल्द से जल्द इंस्टॉल कर दीजिए। उससे होता ही है प्रिंटर इसे इजेक्ट नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि हर कार्ट्रिज का एक सीरियल नंबर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है। अब इसे प्रिंटर में लगा दीजिए, और अच्छे रिजल्ट के लिए इसे कम से कम 1 घंटे तक प्रिंटर में लगा के छोड़ दीजिए, कोई प्रिंट ना निकालिए, ताकि जो इंक है वो अच्छे से फैल जाए प्रिंटर में। तो ये था ट्यूटोरियल वीडियो, कैसे HP कार्ट्रिज 803 को रिफ़िल करें। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू।